देखिए यहाँ पर थोड़ा फोकस करें, कैमरामैन यहाँ पर फोकस करें। बाघ परियोजना सरिस्का पैदल भ्रमण करने वालों के लिए यहाँ से आगे जाना निषेध है। मतलब जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ना, वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर पैदल नहीं चल सकते। बावजूद इसके मैं बड़ा रिस्क लेकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये भाई पूरा सरिस्का जो वाटर और ये जानवर के लिए सुरक्षित संरक्षित जगह बना रखी है ना, ये उसी के अंदर आता है। कुछ नहीं पता यहाँ पर शेर कब और किस दिशा से आ जाए। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि ऊपर दीवार है, आने जाने का सिर्फ यही रास्ता है। वेलकम टू द माई व्लॉग एंड माई यूट्यूब चैनल दोस्तों, और आज मैं दिखाने वाला हूँ कुछ जयपोल। पोल का मतलब होता है दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा है बारा किले के अंदर जाने के लिए। तो इस किले की बहुत सारी खासियत है, पहले मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह के 6 दरवाजे बनाए गए हैं किले के अंदर जाने के लिए, और सुरक्षा की दृष्टि से ना ये बहुत ही मजबूत दरवाज़ा है। देखो सबसे पहले उसे दिखाने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखा दूँ, जो हमारे पूर्वज थे उनकी क्या सोच थी वो आप देख सकते हैं। ये उसी ज़माने के हैं, वो जो दीवार बनाई गई है ये तकरीबन 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर लंबी है, और दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पर आती है, क्योंकि पहली चाइना की दीवार है, दूसरी एक किला है राजस्थान के अंदर ही, उसकी है 15 किलोमीटर की, और उसके बाद इसकी दीवारें आती हैं, और इसी तरह की दीवारें बनी हुई है सारी पहाड़ियों पर। ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती थी। और देखो क्योंकि ये एक जंगल है, चारों तरफ हमारे पहाड़ और जंगल है, पर शेर चीते हिरण आपने रास्ते में देखे होंगे बहुत सारे हैं, और पक्षियों के पानी का इंतजाम कितना अच्छा कर रखा है। ये प्राचीन मतलब पुराने समय में से ही ये सब चलता आ रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी मजबूती। इस दरवाजे को देखो दोस्तों, ये मैं पूरी जान लगा लूँ, कितनी फोर्स लगा लूँ, मुझसे बस थोड़ा बहुत ही हिल रहा है, मैं बंद नहीं कर सकता। कई आदमी चाहिए इसको बंद करने के लिए। और क्योंकि ये राजा महाराजा की एक सोच होती थी, जब कहीं पर युद्ध के लिए जाते थे तो उसमें घोड़े हाथी वगैरह लेकर चलते थे ताकि दरवाजों को तोड़ सके, और उससे बचने के लिए लोहे की एक कील इसमें लगाई गई है। ये देखिए कितनी इंच है, मतलब लगभग 2.5 से 3 इंच की ये कील है। अगर इसमें टक्कर मारते तो ये हाथी के सर में घुस जाती, अगर लकड़ी से मारते तो लकड़ी के अंदर घुस जाती। तो उस दृष्टि से बहुत ही मजबूत दरवाजा माना जाता है, जिसका नाम है जयपोल, आपने शुरू में देखा। और ये थी सिक्योरिटी पर्पज से, मतलब अगर कोई सिंगल आदमी वैसे आ रहा है तो वो इसके अंदर से होकर गुजरता था, अन्यथा ये गेट बंद रहते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिकों के लिए ये एक दो साइड और दो साइड रूम बने हुए, कमरे बने हुए हैं। अभी तो इसके अंदर से आवाज आ रही है चमगादड़ों की और कबूतरों की, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इंसान तो बहुत ही कम आते हैं, तो जानवर वगैरह यहाँ पर है। अंदर क्या है भाई, शायद वहाँ पर कबूतर वगैरह है, अगर थोड़ा नजर आए एक बार दिखा देना अंदर से कैसा है। ठीक है, और इस साइड भी रूम बने हुए हैं यहाँ पर। ये जो इस जो दरवाजा है जयपोल, इसकी सुरक्षा में जितने सैनिक होते थे वो यहाँ पर यहीं पर रहा करते थे, उनका रहना सहना खाना पीना इन्हीं कमरों में होता था, और कुछ कमरे ऊपर है जो शायद अब बंद है। इसमें सीढ़ियाँ तो जो है ना, शायद सीढ़ियाँ यहाँ पर होगी, हाँ इस साइड है सीढ़ियाँ, एक बार इधर आओ, ये रहा, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, क्योंकि अंधेरा है भाई तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ, पूरे में चमगादड़ों के घर बने हो भाई पूरे में। इधर थोड़ा सा संभल कर के, कुछ भी हो सकता है क्योंकि भैया यहाँ पे कोई नहीं आता ना, तो इसलिए। और तेरी भाई अंदर तो और ज्यादा खतरनाक है, वहां पे देखो। अब हमारे पास टॉर्च वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ये भी कुछ। हम ऊपर गए जहाँ पर बहुत ही अंधेरे वाले कमरे थे, उसके अंदर हम नहीं गए क्योंकि भैया कुछ नहीं पता। हजारों कहना, हजारों कह रहा, लगभग 500-600 साल से बंद पड़े हैं ये, अंदर क्या बला है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी बहुत ही मजबूत ये दरवाजा है जयपोल। और देखो लोहे के गार्टर है ना,
अब से 400 साल पहले लोहे के गाटरों का इस्तेमाल कर रखा है यार, है ना। बड़े मजबूत गाटर है, उस सिल्लियों से, तभी तो इतना मजबूत है ये। और यहाँ पे जानवरों के लिए पानी का इस्तेमाल तो हर जगह ही मिलेगा, जैसे पक्षियों का है, आगे वहां पे ना कुंड बना रखे हैं ताकि जानवर पानी पी सके, जो यहाँ पर हिरन वगैरह शेर वगैरह घूमते हैं ना, तो उनके यहाँ पर पीने का इंतजाम है। वो देखो थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, पैदल सीढ़ियां बनते बनते बिल्कुल ऊपर तक जा रखी है, लेकिन अब वहां पर जाना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि भाई नीचे बता देना, एक तो शेर का डर है और ऊपर सांप वगैरह कीड़ा कांटा क्या मिल जाए उसका भी नहीं कुछ पता, तो वो वाला रास्ता तो शायद कई सौ साल बीत चुके हैं किसी ने लिया हो, क्योंकि सीढ़ियों पर भी देखो काई और पेड़ वगैरह झाड़ियाँ वगैरह उगाई है, तो वो रास्ता तो किसी भी कीमत पर हमारे लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं ये समाप्त करता हूँ और मिलते हैं किले के अंदर।